Assalamualaikum dear students, welcome to the SMR Education YouTube channel। तो chemistry of outer transition elements में हमने nomenclature of the inorganic compounds को कंप्लीट किया। आज हम डिस्कस करेंगे chemistry of the chromium and chemistry of the potassium dichromate। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसिडिक बेस या एम्फोटेरिक के हिसाब से पूछे जाते हैं, क्योंकि क्रोमियम के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके यूज काफी ज्यादा हम करते हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारे पास क्रोमियम एलिमेंट्स होता है, इस क्रोमियम एलिमेंट्स का सिंबल क्या होता है कि Cr, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है कि 24 एटॉमिक नंबर है। तो इस क्रोमियम एलिमेंट्स को सबसे पहले हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसने डिस्कवर किया था, जिसका नाम था निकोलस साइंटिस्ट, जिसने इस एलिमेंट्स को डिस्कवर किया था इन 17 हमारे पास 95 सेंचुरी के अंदर। तो निकोलस ने इसको एक कंपाउंड से निकाला था, एक कंपाउंड से डिस्कवर किया था जिसको हम नाम देते हैं किसका, एज क्रोमाइट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। तो जो कंपाउंड्स हमारे पास कहलाता है क्रोमाइट कंपाउंड्स कहलाता है, जिसका फार्मूला होता है FeO, उसके बाद Cr2 और हमारे पास O2। आप इस कंपाउंड्स को नाम देते हैं किसका, एज क्रोमाइट कंपाउंड्स का नाम देते हैं। क्रोमाइट कंपाउंड्स जो होता है, ये क्रोमाइट कंपाउंड्स आपको एशिया में काफी ज्यादा मिलेगा, इंडिया में काफी ज्यादा पाया जाता है, पाकिस्तान में काफी ज्यादा पाया जाता है, वजीरिस्तान में पाया जाता है, बलूचिस्तान में पाया जाता है। इसके यूजेस भी काफी ज्यादा होते हैं। कौन से यूजेस होते हैं कि आप इस क्रोमाइट कंपाउंड्स को यूज करते हैं इंडस्ट्रीज में, आप इसको यूज करते हैं किस लिए? एक तो आप इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए यूज करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जाती है वो आप इस क्रोमाइट कंपाउंड्स की क्या करते हैं कि यूज करते हैं। दूसरा, क्रोमाइट कलर्स से निकला हुआ है, क्योंकि क्रोम वर्ड से क्रोम का मतलब होता है कलर्स। तो ये जो हमारे पास क्रोमाइट कंपाउंड्स होता है, इस क्रोमाइट कंपाउंड्स को एक तो आप यूज करते हैं इसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग तौर पर यूज करते हैं, दूसरा कि जो हमारे पास डेकोरेटिंग के लिए आप क्या करते हैं कि इसको यूज करते हैं, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर जो डेकोरेटिंग की जाती है उसको, मतलब बेहतर कलर्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको क्रोमाइट कंपाउंड्स को यूज करते हैं। उसके बाद देखिए कि इस क्रोमाइट कंपाउंड्स का एटॉमिक नंबर है 24, इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 1s2, उसके बाद 2s2, उसके बाद ये हमारे पास 2p6, 3s2, 3p क्या होता है कि 6 होता है, 4s1 और 3d क्या होता है कि 5। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, यहाँ पे इसमें एक इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, डी में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा फिल कर देते हैं। रीजन किसकी वजह से? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन अगर आप दो फिल करते हैं तो डी में जो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, उन 5 ऑर्बिटल्स में यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो ये स्टेबल नहीं होते। फिर हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकाल करके यहाँ पे फिल कर देते हैं, तो अब ये क्या हो जाता है कि सबसे ज्यादा स्टेबल हो जाता है। तो जो क्रोमियम कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जब ये एस वाले इलेक्ट्रॉन्स दो लॉस करता है तो +2, उसके बाद +3 में, +4 में भी स्टेबल होता है, +5 में, +6 में। तो इस क्रोमियम कंपाउंड्स की ये +2 से लेकर +6 तक क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करता जाएगा इस तरीके से ये लॉस करता जाएगा, तो +6 तक क्या करता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट करता है। लेकिन जो ये कंपाउंड्स होता है वो तीन टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कौन सी? एक तो ये मतलब कि +4 और +5 नहीं करता, एक +3 करता है, एक +2, एक +6 करता है। ये तीन टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम कंपाउंड्स शो करता है। लेकिन जो क्रोमियम होता है उसकी जो सबसे ज्यादा स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +3 वाली, सबसे ज्यादा स्टेबल इसकी ये +3 वाली होती है। अब इस +2 में जैसे कि आपके पास Cr Cl2 होता है, जैसे कि हमारे पास Cr, हमारे पास SO4 होता है, ये कंपाउंड्स यहां पे एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हमारे पास +2 में आप अगर देखें तो हमारे पास ये Cr, हमारे पास ऑक्सीजन क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है ये एग्जिस्ट करता है। +6 में पोटेशियम K2Cr2, हमारे पास O7 होता है, ये पोटेशियम डाइक्रोमेट जिसको आप नाम देते हैं। +3 में Cr, हमारे पास Cl3 होता है, Cr2 हमारे पास O3 होता है, तो 3 2 6, 2 3 हमारे पास 6। तो ये इसमें क्या करता है कि एग्जिस्ट करता है। अच्छा, क्वेश्चंस हमसे पूछा जाता है कि यहाँ पे क्रोमियम की एसिडिक नेचर, बेसिक नेचर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का पूछा जाता है। कौन सा? अब देखें कि जब हमारे पास
सबसे ज्यादा क्रोमियम स्टेबल होता है प्लस थ्री में, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है प्लस थ्री में। अगर हमारे पास ये क्रोमियम प्लस टू के अंदर एग्जिस्ट करेगा, प्लस टू से वो प्लस थ्री तक आएगा तो वो क्या करेगा, प्लस टू से प्लस थ्री तक अगर आएगा तो वो एक इलेक्ट्रॉन से लॉस करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन से लॉस करेगा तो वो दूसरे को क्या करवाएगा, गेन करवाएगा। तो जो गेन करवाते हैं आप उनको नाम देते हैं किसका, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट्स का नाम देते हैं। इसका मतलब ये हुआ क्रोमियम जब प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है उस वक्त ये कंपाउंड हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाता है, उस वक्त ये कंपाउंड क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाएगा। उसके बाद अगर ये आप इसमें जो भी कंपाउंड होते हैं प्लस टू में क्रोमियम, वो सारे के सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं, प्लस थ्री तक आते हैं, प्लस थ्री में तब आएंगे जब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस करेंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे तो हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट्स कहलाते हैं। अगर ये कंपाउंड प्लस सिक्स में तो यहां पे अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, तो ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए प्लस थ्री में आने की कोशिश करेगा। अगर प्लस सिक्स से प्लस थ्री में आ रहा है तो वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, कितने गेन करेगा, तीन इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। तो ये थ्री इलेक्ट्रॉन्स यहां पे गेन करके यहां पे आएगा। जब कोई भी एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है दूसरे को क्या करवाता है, लॉस करवाता है। जब ये लॉस करेगा तो आप इस कंपाउंड्स को नाम देंगे किसका, एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का नाम देंगे। ये हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं। ये बात हमेशा याद रखें कि जो पोटेशियम के प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड्स होते हैं वो जब भी हमारे पास क्या होते हैं कि प्लस सिक्स में होते हैं तो वो सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाते हैं। और स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है, कौन सा स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है, जिस वजह से आप इसको यूज करते हैं एज ऑक्सीडेशन रिएक्शंस के अंदर। जो हमारे पास कौन से रिएक्शंस, जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वहां पे आप KNO4 भी यूज करते हैं, वहां पे आप पोटेशियम डाइक्रोमेट भी आप यूज करते हैं, किस भी आप पे, क्योंकि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होता है काफी ज्यादा। तो अब हमारे पास अगर ये प्लस थ्री में आएगा तो उस वक्त क्या कहलाएगा, स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स कहलाएगा। उसके बाद दूसरी पॉइंट, ये जो क्रोमियम होता है, ये क्रोमियम एसिड भी होता है बेस भी होता है, दोनों कंपाउंड्स में एग्जिस्ट करता है। क्रोमियम के कंपाउंड्स एसिड भी होते हैं, क्रोमियम के कंपाउंड्स बेस भी होते हैं, क्रोमियम के कंपाउंड्स एम्फोटेरिक कंपाउंड्स भी होते हैं। कैसे, अगर हमारे पास ये प्लस टू में था तो क्या कहा, रिड्यूसिंग एजेंट्स, प्लस सिक्स में तो प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो प्लस थ्री में होते हैं ना वो हमारे पास एम्फोटेरिक कंपाउंड्स होते हैं। वो क्या होते हैं, एम्फोटेरिक कंपाउंड्स होते हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज भी होंगे वो रिड्यूस भी होंगे, उनकी मर्जी है ऑक्सीडाइज हो जाए या रिड्यूस हो जाए, दोनों हो सकते हैं। अच्छा, अब एसिड की बात कर रहे हैं, बेस की बात कर रहे हैं। देखें, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेविस एसिड और लेविस बेस का। लेविस एसिड ने कहा जो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, हम उनको नाम देते हैं लेविस एसिड का नाम देते हैं। लेविस के हिसाब से लेविस एसिड हमारे पास वो कंपाउंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, आप उन कंपाउंड्स को नाम देते हैं किसका, एज एसिड का नाम देते हैं। यहां पे क्या होता है, जब ये कंपाउंड्स प्लस सिक्स में होता है, प्लस थ्री में आने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो जब ये प्लस सिक्स से प्लस थ्री में आएगा तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं वो लेविस एसिड होते हैं, आसानी बात है। तो जब ये प्लस सिक्स में होता है उस वक्त ये एग्जिस्ट करता है किस में, एसिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके जो कंपाउंड्स होंगे, मतलब पोटेशियम डाइक्रोमेट्स क्या है, एक एसिडिक सॉल्यूशंस होता है, एक एसिडिक कंपाउंड्स होता है। अगर हमारे पास प्लस टू में होगा तो वो उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, लॉस करेगा। और लेविस बेस क्या कहलाता है, लेविस बेस कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास डोनेट करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं, जो लॉस करते हैं, आप उनको नाम दे लेविस बेस। और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा है, डोनेट करके फिर तो प्लस थ्री में आ रहा है, तो आप प्लस थ्री वाले कंपाउंड्स को नाम देते हैं किसका, एज बेस कंपाउंड्स का नाम देते हैं। ये कंपाउंड्स हमारे पास क्या कहलाते हैं, बेस कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ये क्रोमियम की पॉइंट्स क्लियर हो कि इट इज द फोर्थ मेंबर ऑफ द 3D सीरीज। क्रोमियम हमारे पास क्या होता है, फोर्थ मेंबर होता है किसका, 3D सीरीज का। उसके बाद इट इज द हमारे पास सिल्वरी ग्रे कलर का होता है,
क्रोनो में एक सिल्वरी ग्रे कलर का होता है एंड मेटालिक लस्टर प्रॉपर्टीज में क्या करता है कि अपने आप को एग्जिस्ट करवाता है। लस्टर प्रॉपर्टीज आप समझ जाए कि आपने मेटालिक कैरेक्टर्स में पढ़ी होगी। तो ये था हमारे पास क्रोमियम कंपाउंड्स। अब बात करते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की, बात करते हैं ये जो कंपाउंड्स हमारे पास होता है, आप इस कंपाउंड्स को नाम देते हैं किसका, है पोटेशियम डाइक्रोमेट का नाम देते हैं। पोटेशियम डाइक्रोमेट को किस तरीके से हमारे पास फॉर्मेशन किया जाता है, पोटेशियम डाइक्रोमेट को आसानी से आप बना सकते हैं जब पोटेशियम क्रोमेट को H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा दें। जब आप क्या करते हैं कि पोटेशियम डाइक्रोमेट कैसे बनाया जाता है, K2 हमारे पास CrO4, आप इसको रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो हमारे पास क्या होता है कि ये कंपाउंड्स बन जाता है हमारे पास K2Cr2O7 की फॉर्मेशन हो जाती है। इसमें एक तो हमारे पास KSO4 बनता है, प्लस में क्या बनता है H2O वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो आप यहां से क्या बनाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की फॉर्मेशन करते हैं। उसके बाद ये जो पोटेशियम डाइक्रोमेट कंपाउंड, पोटेशियम डाइक्रोमेट कंपाउंड होता है ये एग्जिस्ट करता है किसमें, ऑरेंज कलर में एग्जिस्ट करता है, ऑरेंज कलर में। और ये वाटर क्या होता है कि सॉल्युबल होता है, क्योंकि ये हमारे पास पोलर कंपाउंड से, तो ये वाटर में क्या होता है कि सॉल्युबल कंपाउंड होता है। इस पोटेशियम डाइक्रोमेट को आप यूज करते हैं एज अ स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तौर पे यूज करते हैं। स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तौर पे हम इसको यूज करते हैं क्योंकि ये अनस्टेबल होता है +6 में, और +2 में क्या होता है कि 3 में क्या होता है स्टेबल होता है, इस वजह से ये क्या होता है कि ब्रेक डाउन हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, तो +3 में आ जाता है, तो इस वजह से आप इसको स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तौर पे यूज करते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिएक्शन लिखा हुआ है कौन सा, के जो हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला रिएक्शन यहाँ पे लिखा हुआ है, कि जब हमारे पास इसमें एक रिएक्शन से बुक में लिखा हुआ है कि कौन सा हमारे पास लिखा हुआ है कि अगर हमारे पास ये Cr2O7 हमारे पास -2 प्लस में आप इसमें वाटर एड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है किसमें से फॉर्मेशन होती है, कौन सी हमारे पास 2CrO4, दो क्रम में हमारे पास माइनस में हमारे पास 2, प्लस में यहां से H+ आयंस क्या हो रही है कि रिलीज हो रही है। आप इसको नाम देते हैं किसका, है डायनामिक इक्विलिब्रियम का नाम देते हैं। ये यहाँ पे कन्वर्ट होता है किसमें, रेड कलर में एग्जिस्ट करता है, और ये हमारे पास एग्जिस्ट करता है किसमें, येलो कलर में एग्जिस्ट करता है। तो ये क्या है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट से, जो एमसीक्यूज वाली पॉइंट से आप इस बुक को रीड करना, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर आप क्या करते हैं कि एसिड एड करते हैं, तो इक्विलिब्रियम जो हमारे पास होता है, मतलब जब आप इस कंपाउंड के अंदर एसिड की आप एडिशन करेंगे तो क्या होता है कि इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है लेफ्ट की तरफ, और रिजल्ट में हमारे पास फॉर्मेशन होती है डायक्रोमेट सॉल्यूशन की। कि जब आप इसमें क्या करते हैं कि ऐड करते हैं क्या एसिड, तो हमारे पास डायक्रोमेट क्या होता है कि फॉर्मेशन होता है, और इक्विलिब्रियम जो शिफ्ट होता है वो किसकी तरफ होता है, लेफ्ट की तरफ क्या होता है कि शिफ्ट होता है। उसके बाद अगर आप इसके अंदर बेस ऐड कर रहे हैं, अगर आप इसमें बेसिक कोई भी चीज आप ऐड करें, कोई भी बेस कंपाउंड ऐड करें, तो हमारे पास क्या होता है कि ये इक्विलिब्रियम शिफ्ट होता है राइट की तरफ, और फॉर्मेशन होती है किसकी, हमारे पास येलो क्रोमेट की फॉर्मेशन होती है। तो अगर आप क्या करेंगे किसके अंदर बेस एड करेंगे तो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन फास्ट होगा, अगर आप इसमें तो अगर आप इसमें क्या करते हैं कि आप इसमें ऐड करते हैं बेस तो फॉरवर्ड डायरेक्शन फास्ट होगा, एसिड ऐड करते हैं तो हमारे पास बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेक्चर को एंड करते हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैग्नेट्स को और पोटेशियम परमैंगनेट को डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा लेक्चर्स नॉलेजेबल था, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं आपको पूरी हेल्प करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मैग्नेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे।